क्या कौन भरती है? कौन भरती? ऐसे कर लो बालक। क्या हो गया उसको? आग में चोट। आपका नाम क्या है? आप कहाँ रहते हैं? हमारा कौन भर्ती है? मेरा बच्चा साहब। क्या हो गया? कहाँ भरती है? बच्चे का नाम? बच्चे का नाम क्या? कार्तिक। कार्तिक, एक महीने का बच्चा है, सिर में इसको हिम्मत रखना है ना। बहुत क्या रहने वाले का आगे के पास बांध के। कब भर्ती करा था? आज तो सत्रह अठारह दिन। एक महीना आप साथ में है कोई? आपसे आप कोई बात सुनना है? डिलीवरी पर डे होते हैं सर, कम से कम 300 प्रॉपर्टी हमारी 350 तक भी जाती है। तो ओवरऑल सर सर 40 डिलीवरीज का रेशियो रहता है सर, 50-60 एडमिशंस पर डे। आसपास के भी जगह से आते हैं आपको? जैसे आपने देखा संडे जैसे डिलीवरी के लिए या कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं तो ओपीडी में सर 8:30 से स्टार्ट होती है सर। जितनी देर तक पेशेंट्स रहते हैं सर वैसे टाइम देखिए, हमारा सबका काम है कि सरकार अपनी दक्षता से काम करे। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी 24 घंटे काम करते हैं और उनके काम करने की क्षमता, योग्यता, ऊर्जा से हमको प्रेरणा मिलती है। मैं आज अपने रूटीन के काम के अलावा जब मेरे पास थोड़ा समय मिलता तो कोई ना कोई विभाग को देखना चाहिए। हमीदिया हॉस्पिटल हमारा सबसे अच्छा हॉस्पिटल है और पूरे संभाग और बाकी लोगों को इस पर बड़ा भरोसा भी है। खास करके ऐसे बच्चे जो असमय हो गए या समय के पहले होने की जो उनकी कठिनाइयाँ होती है, वेट की कठिनाई होती है, कई परेशानियाँ हैं, और खासकर गरीब वर्ग और दूर दूर तक राजगढ़, ब्यावरा, रायसेन दूर से लोग आते हैं। तो ऐसे मेरा फर्ज था कि मैं आज थोड़ा उनको देखूँ। कुछ कठिनाइयाँ भी मुझे बताई है, कुछ हॉस्पिटल के अंदर की तकलीफें भी है, लेकिन अधिकांश मरीज के परिजनों ने संतुष्टि बताई है। मैं कोशिश करूंगा कि और जो अच्छा लाभ मिले वो हम करें। एक दो बच्चे हैं जिनको यहाँ पे उनको ऑपरेट नहीं कर सकते, वो गंभीर बीमारी है। हमने कहा इनको एम्स दिल्ली पहुँचा सकते, दिल्ली पहुँचाएं कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में, और अच्छा दिल्ली इलाज हो सकता, बॉम्बे इलाज हो सकता, जो भी अपने एक एक बच्चे की जान की कीमत है, जितना जो अच्छा हो सकता वो ज़रूर करें। यद्यपि हमारे दायरे हैं, लेकिन जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो बेहतर करने का प्रयास करें। सर, यानी चौंकाने वाले ऐसी अब तस्वीरें लगातार मिलती रहेंगी सर प्रदेश में? नहीं, सरकार की विभागों को देखना, ये शासन के मुखिया के होने के नाते से मेरा भी दायित्व है। कल को मंत्रिमंडल के मंत्री बन जाएंगे, उनका भी दायित्व है, और कुल मिलाकर के हम सबकी जवाबदारी है कि हम शासन की कड़ी का एक हिस्सा है,
और ऐसे में सभी विभागों का अपने अपनी दक्षता से काम करें, तो हेल्थ डिपार्टमेंट भी अच्छा से काम करे, ये हमारा फर्ज है, उसी आधार पर देखना है। बहुत धन्यवाद। कोविड को लेकर के निश्चित रूप से जो भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की है वो हमने पूरे प्रदेश में लागू की है कि वो अपने सभी लोग उस कोविड के दिशा निर्देश का पालन करें। पहले भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कोविड से बहुत अच्छे ढंग से निपटा है, और कोविड क्या कोई भी बीमारी हो, सारी बीमारियों से निपटने के लिए विभाग अपनी दक्षता से, चिकित्सा विभाग भी काम कर रहा है। बहुत धन्यवाद।